सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा राधा राधा
Radha Krishna Radha Radha Krishna Radha Radha Krishna Radha Sri Bal Krishna Lal Ki Jai Sri Bhagavat Bhagavan Ki Jai मधुपतिरव गायं चारयंगा सह पशुपाल बल चुकुंज वेलु आइए परमात्मा नंदनंदन कृष्णचंद्र प्रभु के वांग्मय स्वरूप में गोता लगाए हरि का जब अनन्य अनुग्रह होता है तो परमात्मा की कथा प्राप्त होती है। उस कथा के द्वारा जीवन कृतार्थ होता है और कृतकृत्य होता है। जिन समय में हमारे हृदय से हमारी बुद्धि से हमारी इंद्रियों से हमारे मन से या हमारी वाणी से परमात्मा के लिए जो कार्य हुए वही जीवन है, बाकी सब व्यर्थ। क्योंकि ये शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। जब तक उस चैतन्य तत्व को प्राप्त नहीं किया वापस आते ही रहेंगे। अनंत जन्मों तक अनंत काल तक बस उसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर है। पशु की योनि में परमात्मा भक्ति संभव नहीं है। आहार निंद्रा भय मैथुन खाना तो पशु भी खाते हैं हम भी खाते हैं, उनको भी निंद्रा आती है हमको भी आती है, उनको भी भय लगता है हमको भी भय है, उनका भी परिवार है और हमारा भी परिवार है। अगर हम पशु वृत्ति से जी रहे हैं तो हमारे में और पशु में कुछ फर्क नहीं। बस एक शक्ति हमें भगवान ने दी है, भक्ति की शक्ति, साधना की शक्ति, सेवा की शक्ति। संसार के काम में से समय निकाल के परमात्मा का यजन कर लेना है, क्योंकि इस संसार के कर्म को हम बार बार करते आए हुए हैं, अनंत जन्मों तक करते आए हुए हैं। सही तो वही है कि हम भगवान के हो जाए। गोपी भगवान की हुई, परमात्मा ने बांसुरी बजाई, गोपी भाग कर आई। अपनी व्यावहारिकता पारिवारिकता सब भूल गई, बस बांसुरी बजी तो समझ लो कृष्ण ने हमें बुलाया है। जब सांवरे ने बुलाया तो और सब काम व्यर्थ है। और परमात्मा को मिलने के लिए तो कौन उत्सुक नहीं है, हम सब उत्सुक है पर उस अभिनय में नहीं आते हैं, उस अभिव्यक्ति में नहीं आते हैं, उस अभिवृत्ति में नहीं आते हैं। और जब तक वो अभिवृत्ति अभिनय जीवन में नहीं आएगा तब तक तो पॉसिबल नहीं है कि हमें भगवान मिले। है तो घट घट में,
सर्वव्यापक, पर उसे अनुभूत करना है, फील करना है कि है मेरे प्रभु मेरे पास है, मेरे सामने है, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये भाव गोपियों में आया। कैसे बांसुरी बजाई भगवान ने? सुखदेव जी ने भागवत में कहा, बढ़ा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीं च माला। रंध्रार वैणु रदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसी बांसुरी बजाई अपने मित्रों के साथ, सखा के साथ। परमात्मा नंदनंदन ने वृंदावन में प्रवेश किया, मस्तक पे मोर पंख धारण किया हुआ है, कान में कुंडल है, करेण के पुष्प कान में लगाए हुए, कर्णयो कर्णिकारम। सुवर्णमय पीतांबर धारण किया हुआ है प्रभु ने, गोप वृंद इदगिद में घूम रहा है। सुंदर शोभा है श्याम सुंदर की, और अपनी अधरोष्ट पर बांसुरी लगाई वृक्ष के नीचे, पैर की करवत रखी, और सुंदर सूर जैसे कि वृंदावन की शोभा बढ़ गई। इस बांसुरी के सूर को सुनकर गोपी पगली हो गई, पागल हो गई। अंदर अंदर ही बातें करने लगी, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामं सख्यं पशूननु विवेशयतोर्वयसे। वक्त्रं व्रदेश सुतयोरन वैनुजुष्ठं येर्वानिपीतमनुरद्धकटाक्षमोक्षम्। गोपी बात करने लगी, एक तो आंख वाले प्राणी, जिन प्राणियों को आंख प्राप्त हुई है वो उस आंख की, उस नेत्र की एक ही सफलता है कि उस नेत्र से वो पशु वो गैया हमारे श्याम सुंदर का दर्शन कर रही, कृष्ण को ही देख रही। अरे बताओ तो खरी पगली, हमको तो एक ही लाभ है, जब कृष्ण और दाऊ वृंदावन में रहते हैं
या तो गैया चरा के आते हैं तभी हमें दर्शन प्राप्त होते हैं, पर ये गैया तो सौभाग्यवान है, पूरे दिन श्याम सुंदर के साथ में रहती है और कृष्ण उसकी पीठ पर अपने सुकोमल कर से वालन करते हैं। उस लालन के वालन से ये गैया पावन हो गई। बस ऐसा लगता है कि पूरा माधुर्य उनको प्राप्त हो रहा है और हम तो ऐसे है कि उनके माधुर्य से तृप्त ही नहीं होते। जूत प्रवाल बहरस तब कोत्पलाब्ज मालानो प्रतकल पविधा विचित्र वेश मध्ये विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्यम रंगे यथम नटवरो क्वजगायमान। अरे सखी, जब हमारे श्याम सुंदर आम्र वृक्ष की नूतन कुपल को रंग बेरंगी कमल पत्र से, मोर पीछ से, कंठ में कुंदमाला से धारित होते हैं तो उनकी शोभा ही अलग है। उज्जवल शरीर, एक पीतांबरम एक नीलांबरम, दाऊ जी नीलांबर धारण करते और श्याम सुंदर पीतांबर, और उस गोप मंडली के बीच में हमारे श्याम सुंदर दोनों भैया बैठते हैं तो कितनी शोभा बढ़ जाती है। सूरदास ने तो अपने पद में लिख दिया है, कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज से शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले
भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव जी समाधि में आता यानी समाधि में भूल होने लगी, अपनी समाधि शिव भूल गए, ऐसी बांसुरी श्याम सुंदर ने बजाई। ऋषि मुनि की नारियां अपने पति के यज्ञ के लिए शाकल्य की तैयारी कर रही थी, उस शाकल्य की तैयारी में भूल होने लगी। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा वेद की रुचाएं भूलने लगे। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे उनके ब्रह्मचर्य में भूल होने लगी, ऐसी बांसुरी बजाई। रंभा साम तान चुकी भूली नृत्यकारी, 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 जमुना जल उलटी रहो शोभाजबारी, यमुना जल उलटी भई शोभाजबारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा नाम की अप्सरा स्वर्ग में नृत्य कर रही थी, उसके नृत्य के ठेके में भूल होने लगी। जमनाजल उल्टा बहने लगा और आज कुछ शोभा ही अलग थी। क्यों? क्योंकि मेरे श्याम सुंदर की बांसुरी बज रही। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, 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 ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कैसी बंसरी बजी वृंदावन में, तीन लोक में प्यारी हो गई और ग्वाल बाल गोपाल ग्वाल मगन भये पागल हो गए कृष्ण की प्रीति में, कृष्ण की रीति में और कृष्ण की नीति में। ब्रज की सब नारी अपना काम छोड़कर दौड़े, ऐसी बांसुरी बजी। कैसे लग रहे थे हमारे ठाकुर? सूरदास जी कहते हैं,
सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुहारी, 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 सूर को प्रभु मदन मोहन चरण सूर को प्रभु मदन मोहन चरण बलिहारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 रंग से क्या श्याम सुंदर की बांसुरी बजी। ग्वाल बाल मगन भाई, आज भी हम वृंदावन जाए तो जैसे लग रहा है कि वो श्याम सुंदर आज भी बांसुरी बजा रहे। सौभाग्यवान है वो गोपी, यशवान है वो गोपाल कि जिनको परमात्मा के साथ लीला अवतार का लाभ मिला। उस परमात्मा की लीला की झांकी हुई सौभाग्यवान। कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की दृष्टि अद्भुत। कृष्ण कृष्ण है, और कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है, निरस है। कृष्ण ही जीवन को सरस बना सकते हैं, और उस सरसता को गोपी गोपालों ने प्राप्त किया, उस वृंदावन की गैया ने प्राप्त किया, उस बाल गोपाल ने प्राप्त किया, उस यशोदा ने प्राप्त किया, उस नंद ने प्राप्त किया। क्योंकि बांसुरी ही सौभाग्यवान है कि परमात्मा अपने अधरोष्ट का तकिया बना के उसको सुलाते हैं और अपने हाथ से उस बांसुरी के पैर को दबाते हैं। सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी बांसुरी की। किसी ने पूछा, अरे भाई ये श्याम सुंदर तुझे नित्य निरंतर अपने साथ में ही क्यों रखते हैं? तो बांसुरी ने कहा कि मैं अंदर से खाली हूं, जब हम खाली हो जाए तो परमात्मा हमें भी बजाने लगे। पर हम विकारों से, वासना से, वैमनस्य से भरे हुए हैं। परमात्मा कहे तुम्हारे जीवन को भी मैं सूर देना चाहता हूं, पर पहले सूर में तो आओ। जीवन बेसूर जैसा जी रहे हो और आकांक्षा सूर की है। उत्तम संगीतकार के सामने कोई बेसुर आके गाले तो उसको लगता है कि मेरा ही ये वाद्य में मेरे अपने सिर पर लमार। पर उत्तम वाद्यवान के पास उत्तम गायक आ जाए, खुश हो जाता है। मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने जो सीखा, मैंने जो पाया, बस एक तो उससे जानने वाला मिला। कृष्ण हमारे जीवन को भी बजाना चाहते हैं सुर में,
ताल में लय में फूकना चाहते हैं, बस खाली होने की जरूरत है। खाली हो गए तो शाम के मैं तो तैयार ही हूं, अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्त को आधीन है। बस एक बार तुम खाली हो जाओ फिर बजा तो हम लेंगे, और फिर एक बार श्याम सुंदर के हमने बजाया तो किसी की ताकत नहीं और बजा सके। जिनको हमने सुर दिया उसको फिर कोई सुर की जरूरत नहीं है। फिर तो सुर मानी देवता भी, जिनको हमने सुर दिया वहां पे सुर आके भी सेवा करते हैं। अगर नहीं खाली होए तो असुर तो हो ही। उस हमारी हंसा सोहम सोहम हंसा सुर को भगवान ही बजा रहे हैं, पर तकलीफ वही है कि हम कान से सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्ण व्यवहार में है, परिवार में है, संसार में है। परमात्मा कहे व्यवहार संसार और परिवार हमारे पास नहीं चलता, हमको तो खाली चाहिए। उस घट को हम भरेंगे हमारे हिसाब से, खाली होके आना पड़ेगा। और गोपियों को प्रेम से कृष्ण ने भर दिया, गोप को प्रेम से कृष्ण ने भर दिया। और भगवान ने ऐसे प्रेम से भरा कि परमात्मा एक बार व्रज छोड़ के गए वापस नहीं आए, पर वो भरा हुआ ऐसा था कि अंत तक और कुछ भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कृष्ण याद में ही जीवन निकल गया। कृष्ण की उस की हुई लीला से तृप्ति हो गई। जब परमात्मा ने बांसुरी बजाई तब गोपी आई। परमात्मा ने कहा क्यों आई, तो कि प्रभु तुमने बुलाई इसलिए आई। और प्रभु ने कहा अभी समय नहीं है, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम रास करेंगे, और रस ही रास है। कृष्ण परमात्मा ने गोपी को वचन दे दिया, वही है वेणुगी, वही है वेणुनाद। बस उस वेणुगीत से हमारे जीवन को भी हमें बांसुरी बनाना है, तो वही आनंद है। आओ हम भी दो मिनट कृष्ण संकीर्तन करके अपने जीवन को नादमय बनाए, क्योंकि नाद ही ब्रह्म है। हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे शब्द नष्ट नहीं होंगे, शब्द ब्रह्म है और कृष्ण भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म का नाता रहता है। तो आओ उस ब्रह्म को पाने के लिए शब्द ब्रह्म से उनको आराधन करें। दो मिनट के लिए हरिनाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गो नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद